हेलो फेसबुक एंड यूट्यूब फैमिली, आपका स्वागत है हनिका किचन में। आज हम बनाएंगे आलू मूंगरे की सब्जी और आपको दिखाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मुझे चाहिए 3 से 4 कटे हुए आलू, जिसको मैंने अच्छी तरह धो के रख लिया है, और 500 ग्राम मूंगरे, इसको भी मैंने ऐसे छोटे छोटे तोड़ लिया है, 3 प्याज बारीक बारीक, 1 टमाटर, थोड़ा सा अदरक, 2 से 3 हरी मिर्ची, और मसाले नमक, हल्दी, गरम मसाला, काली मिर्च और तेज पत्ता। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई रखेंगे और इसमें ऑयल डालेंगे। मैंने ऑयल को डाल दिया, अब इसे अच्छी तरह हम गरम करेंगे। ऑयल हमारा अच्छी तरह से गरम हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे तेज़पत्ता और इसको हिलाएंगे। अब डालेंगे इसमें प्याज चॉप किया हुआ, अब इसको अच्छी तरह हिलाएं और भूनने तक पकाएं। प्याज को हिलाते रहिए, थोड़ा सा हमारा प्याज पिंक हो गया है, बस इसे थोड़ा सा ही पकाएंगे। प्याज हमारा लाइट ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा अदरक और इसे भी 2 मिनट भूनेंगे। अब डालेंगे इसमें सारे मसाले, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच हल्दी, गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्च, अब इसे हिलाएं। अब साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी टमाटर। टमाटर मैंने 1 ही डाला है। अब इसे भी हिलाएं और साथ में हरी मिर्ची भी डाल दें। टमाटर आप ज़्यादा मत डालिएगा, क्योंकि उससे सब्ज़ी खट्टी हो जाएगी। अब इसको चलाते रहिए, थोड़ा सा टमाटर सॉफ्ट करेंगे। अब मसाले में डालूंगी मैं थोड़ा सा पानी, जिससे कि टमाटर हमारा जल्दी गल जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह पक गया है। अब मैं क्या करूंगी, ये जो मूंगरे हैं इसको मैं थोड़ा सा कूटूंगी, जिससे कि ये जल्दी गल जाएंगे। आप चाहें तो इसको चॉपर में कर लें, पीस लें। चलिए हम इसे पीसते हैं थोड़ा सा। मसाले में अब मैं डालूंगी आलू, 3 से 4 कटे हुए आलू, और इसे हिलाएंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसको थोड़ा सा ही कूटा है। आप चाहे तो इसको बेलन की मदद से या दोरी डंडे की मदद से भी कूट सकते हैं। अब इसको मैं कढ़ाई में डालूंगी। और इसे हिलाएंगे। मैंने सब्जी को हिला दिया है, आप देख सकते हैं। यह सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है कूटने से। अब इसको हम मीडियम गैस पे रखेंगे और ढककर पकाएंगे, जब तक कि ये मूंगरे और आलू गल ना जाएं।
सब्जी को मैंने ढक दिया। अब 5 मिनट के बाद इसको चेक करेंगे। सब्जी को हम चेक करेंगे। और देखेंगे पकी या नहीं। पांच मिनट हम फिर से ढककर इसको पकाएंगे। सब्जी को हम चेक करेंगे। सब्जी हमारी सारी पक गई है, आप देख सकते हैं। अब इसको हम सर्व करेंगे। लीजिए, रेडी है हमारी झटपट बनने वाली सब्जी। आप भी इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।